अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डॉलर शॉप का विज़िट करवाऊंगी। डॉलर फैमिली शॉप्स है जो कि 275 रुपीस की है। यहाँ पे जो पहला रो था उसमें थोड़ी सी प्राइस डिफरेंट थी, जैसे कि ये मग है, ये स्ट्रो मग, तो इनकी प्राइस 550 थी यानी $2, और ये जो बॉटल्स वगैरह थी ये भी $2 के थे 550, और बाकी ईच एंड एवरी थिंग चीज़ें जो थी वो 275 रुपीज़ की थी, जैसे कि ये स्ट्रो ग्लास बाकी जो थे 275, ये निम्को वगैरह, सौंफ और कैंडीज वगैरह के पैकेट्स थे, पापड़ वगैरह, ये सारे 275 रुपीज़ के थे। और बाकी ये तो एक रो था जिसकी प्राइस डिफरेंट थी, अगर 6 मग लेंगे तो आई थिंक पता नहीं डिफरेंट प्राइस थी, बाकी ज़्यादातर चीज़ों की 275 रुपीज़ थी। लेकिन अगर इसमें से आप 2 मग आई थिंक ख़रीदते हैं तो वो 275 रुपीज़ के होंगे, चाय वाले छोटे मग। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी थे बहुत रीज़नेबल, 275 रुपीज़ के कपड़े थे, बैग्स थे, ट्रैवलिंग बैग्स थे, ये जो है ना दुपट्टे हैंग करने वाला हैंगर था, यहाँ पे प्लास्टिक का बहुत ही रीज़नेबल सामान था, और बड़ी चीज़ मतलब अच्छी खासी बड़ी चीज़ थी, मतलब जैसे कि स्टूल वगैरह ये बड़ी चीज़ों आइटम में आता है, तो ये भी 275 रुपीस का था। और यहाँ पे ये बॉल वगैरह के सेट वगैरह थे, 3 दिन के बॉल थे 275 रुपीस के। इस तरह ये था, बास्केट्स थी 275 रुपीस की, और स्टूल्स थे, चेयर्स थी 275 रुपीस के, और ये जग गिलास का सेट था 1100 और 825 रुपीस, और कुछ गिलासों की प्राइस 6 ग्लास 2550 के थे। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के यहाँ पे ग्लास पड़े हुए थे, और 2 ग्लास आई थिंक 275 रुपीस, और बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें थी। ये ज़रा बड़े से बाउल वगैरह थे, ये भी आई थिंक 550 के थे, बाकी कप्स वगैरह 275 रुपीस, और ये टिशू पेपर रोल्स थे 275 रुपीस, और बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें थी, और बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ इस डॉलर शॉप में पड़ी हुई थी, और बहुत ही प्यारी, और जो यहाँ के जो सेल्समैन थे वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और कोऑपरेटिव थे। और ये एस्ट्रे वगैरह 275 रुपीज़, ये बड़े वाले बाउल जो थे 550 के थे, 825 का भी था उससे बड़ा, ये ट्रेज वगैरह 250, ये लंच बॉक्स बच्चों के थे, बॉटल्स वगैरह बच्चों की थी, ये भी 275 रुपीस की थी। हाय हाय, और ये बेकिंग का सामान था वो भी 275 रुपी की पीस की ट्रेस मिल रही थी, हालांकि इनकी बाहर बहुत ज़्यादा प्राइस हैं, जो पेन केक वगैरह हैं हमने ख़ुद ख़रीदे थे सिंगल सिंगल तो 550 या उससे ज़्यादा होते थे। टॉयज़ वगैरह हैं, जूते वगैरह, ये भी 275 रुपीस के थे जूते। स्टेशनरी का सामान था बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, और ये मैंने जो स्टेशनरी का सामान यहाँ पर पड़ा देखा ना, मैंने किसी शॉप्स पे नहीं देखा, स्टेशनरी की शॉप्स पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ है, क्योंकि ये बाहर से माल आता है ना, तो बहुत ही प्यारी प्यारी ये हाइलाइटर्स और ये सारा कुछ मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, बाहर के बच्चे यूज़ करते हैं, और अब हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें आ गई क्योंकि ये बाहर से माल आता है। इस बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो मेकअप का बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, सामान था, और यहाँ पे ये देख सकते बच्चों की पोनियाज वगैरह थी, और पैड्स वगैरह थे लेडीज़, और जो है ना लिपस्टिक्स वगैरह थी बहुत सारी जो कि 275 रुपीज़ की थी, और मेकअप का सामान था, परफ्यूम्स थे, और ये है ये क्या चीज़ है, नेल्स थे, नेल्स बहुत ही रीज़नेबल है, ये नेल्स जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैंने ख़ुद ख़रीदे हुए हैं बाहर से तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो यहाँ पे ये ब्रश वगैरह थे, और ऊपर और फिर बर्थडे का यहाँ पे सामान था बहुत ज़्यादा, बर्थडे का सामान बहुत ही प्यारा प्यारा यहाँ पे बर्थडे का सामान था, क्योंकि बर्थडे के सामान भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन यहाँ पे 275 रुपए की एक चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे ज्वेलरी थी, और ये ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, एक्चुअली वो शॉप बंद कर रहे थे तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ी है। ये बच्चों की पोनियाँ पिन्स जो कि 275 रुपीज़ की थी, और ये फेशियल का सामान था, सन ब्लॉक्स थे बच्चों की, सन ब्लॉक्स वगैरह थे,
और बहुत ही प्यारी प्यारी सारी चीज़ें 275 रुपीज़ की। और ये मैं जल्दी जल्दी जा रही, ये देखिए उन्होंने लाइट बंद कर दी फिर ऑन कर दी। ये न्यू बॉर्न बेबी का सामान भी पड़ा हुआ था। और ये देखिए बस हम लोग वापस जा रहे हैं, अब हम लोग बाहर निकल आए हैं क्योंकि वो शॉप्स बंद कर रहे थे। तो ये हम लोग जा रहे हैं वापस, ये हम वापस आ गए हैं और अब लोग गाड़ी में बैठ के बस वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। और बहुत ही प्यारी चीज़ थी, आप लोग भी इधर जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।